नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका साथी मनदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करें हम हरियाणा या फिर HSSC JEE की भर्ती पर जो आपका कोर्ट केस चल रहा है उसको लेकर। देखिए दोस्तों, जब से आपका JEE की भर्ती के लिए स्क्रूटनी पूरी हुई है, फिर दोबारा से कुछ नए कैंडिडेट को स्क्रूटनी के लिए बुलाया, तब से लेकर आज तक जो करीब करीब 1.5-2 महीने का समय बीता है, लगातार आपके जो कमेंट निरंतर मेरे चैनल पर मुझे मिले कि सर JEE का रिजल्ट कब आएगा, JEE का रिजल्ट कब आएगा। तो समय समय पर जो अपडेट आई मैंने आपको वो भी बताई। तो मैंने बताया भी 25 फरवरी तक 3 में से 1 रिजल्ट आ सकता है। आज न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई कि भाई 31 मार्च तक, तो चेयरमैन साहब ने बोला भाई 31 मार्च तक तो हम क्लर्क और JEE की भर्ती कंप्लीट पूरी ही कर देंगे। 4 ब्रांचेज का आपका JEE की भर्ती थी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हॉर्टिकल्चर, जिसमें से हॉर्टिकल्चर की पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ भी आपका JEE की भर्ती पर कोर्ट केस है और इसकी वजह से ही जो आपका रिजल्ट है वो डिले हो रहा था। देखेंगे भाई, आज जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ आ रही है उसके बयान में भी चेयरमैन साहब ने बोला है कि भाई कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से या टेक्निकल खामियों की वजह से आपका जो JEE की भर्ती का रिजल्ट है वो डिले हुआ, नहीं तो ये 31 दिसंबर तक आ जाना था, ऐसा चेयरमैन साहब ने कहा। तो कोर्ट केस की वजह से ही आपकी ये भर्ती डिले हुई, ये भर्ती लेट हुई। और अब मैं आपको कोर्ट केस नंबर बताने जा रहा हूँ भाई, कोर्ट केस नंबर क्या है, कब ये केस हुआ, किसके नाम से केस है। और दोस्तों, इसमें जो ऑर्डर्स आए हैं, 2-3 हियरिंग हुई है, उसमें कुछ कोर्ट ऑर्डर्स भी आए हैं, वो ऑर्डर भी आपको पढ़कर बताऊंगा कि भाई ऑर्डर में क्या बोला गया, भाई किस वजह से आपका रिजल्ट डिले हुआ है। अब कोर्ट केस दिखाने से पहले या बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, अब आप 31 मार्च से पहले पहले, हो सकता है फेब में भी आ जाएं, हो सकता है मार्च में, तो आने ही आने हैं, 31 मार्च से पहले आपके तीनों ब्रांचेज के रिजल्ट आ जाएंगे, ऐसा चेयरमैन साहब का भी कहना और मुझे भी लग रहा है। अब जो आपके जो कोर्ट केस, इसकी नेक्स्ट हियरिंग हो सकता है हमारी लंबी हो, लेकिन इसमें हरियाणा सरकार चाहे तो CM लगाकर जल्दी हियरिंग लेकर इस काम को फिनिश भी कर सकती है। और दोस्तों, तो आपको पहले ही बताया था कि इस पर स्टे नहीं है, HSSC चाहे तो बगैर CM लगाए, बगैर हियरिंग कराए भी आपका रिजल्ट जारी करा सकती है, लेकिन कुछ एक उसमें लिमिटेशंस हैं जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की। ये देखिए दोस्तों, तो ये आपका जो केस है ये आपका हरियाणा JEE की भर्ती पर है। केस नंबर है जी आपका CWP 34061। दोस्तों, ये जो कोर्ट केस की न्यूज़ है ना, सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल MD2 रीडर पब्लिकेशन पर मिल रही है। जो मेरे साथी हमारे वीडियो को लगातार देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि रेगुलर अपडेट आपको जॉब और जॉब से जुड़ी मिलती रहेगी, जो किसी ना किसी प्रकार से आपके लिए हेल्पफुल होती रहती है। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, रिजल्ट डेट, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो CWP 34061 2019 का आपका केस है जी, जितेंद्र मलिक जिसमें एडवोकेट हैं, और आपका ये रजत नांदल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का ये केस है। और दोस्तों, इस मामले की जो नेक्स्ट हियरिंग है, अगली सुनवाई है, वो 28 मई 2020 है। महीना चला हुआ जी फरवरी का, तो मार्च, अप्रैल और मई, लगभग 3 महीने के बाद इसमें आपकी नेक्स्ट हियरिंग है 28 मई 2020। और दोस्तों, सिर्फ यही केस नहीं, इसके साथ 2 केस और भी अटैच है आपके, ये मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। CWP 34589 2019 और CWP 35447 2019, इनके जो ऑर्डर आप देख रहे हैं, इसमें एक हियरिंग आपकी, देखिए जो मेन केस है ना आपका 34061, इसकी पहली हियरिंग हुई आपकी 22 नवंबर 2019 को, जिसका ऑर्डर मैंने डाउनलोड किया हुआ आपको दिखाऊंगा। 5 दिसंबर को ये केस लगा, ऑर्डिनरी में चला गया, नंबर नहीं आया इसका। उसके बाद 27 नवंबर 2019 को भी आपकी ये नया केस इसमें रजिस्टर हुआ, जो मेन के साथ अटैच कर दिया गया। 6 दिसंबर को एक केस और अटैच होता है, वो भी मेन के साथ अटैच हो जाता है। अब मैं आपके इसमें ऑर्डर दिखा देता हूँ, 34061 का पहले मैं आपको ऑर्डर दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, 22 नवंबर 2019 को इसमें आपकी हियरिंग हुई थी, 34061, रजत नांदल एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें एडवोकेट मिस्टर जितेंद्र मलिक, एडवोकेट फॉर द पिटिशनर। दोस्तों, इसमें नोटिस ऑफ मोशन गया है, हरीश राठी DAG थे हरियाणा सरकार के या हरियाणा के, उन्होंने नोटिस को एक्सेप्ट भी कर लिया है ऑन द बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट एंड प्रे फॉर टाइम टू फाइल अप्लाई फाइल रिप्लाई। तो दोस्तों, रिस्पोंडेंट हमारा यहाँ पर HSSC है, तो HSSC के बिहाफ पर इन्होंने जो नोटिस को एक्सेप्ट कर लिया है और टाइम मांगा है रिप्लाई को फाइल करने के लिए, जिसमें आपकी नेक्स्ट डेट मैंने जैसे कि बताया, इसकी दूसरी हियरिंग 5 दिसंबर 2019 को हुई थी, लेकिन उस दिन ऑर्डिनरी में केस काफ़ी नीचे लगा था, नंबर नहीं आया, जिस वजह से आपकी इसमें नेक्स्ट डेट 28 मई मिली हुई है।
अब इसमें नीचे जो देखिए दोस्तों, जो ऑर्डर मेन है जिस वजह से हमारा रिजल्ट डिले हो रहा है, रिजल्ट इफ डिक्लेयर, इसमें बोला भाई अगर आपका रिजल्ट इसमें जारी कर दिया गया है या डिक्लेयर हो गया, या फिर अपॉइंटमेंट, या तो रिजल्ट जारी हो गया है या फिर अपॉइंटमेंट भी हो गई है, इफ एनी, अगर कोई भी मेड देयर टू वुड बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द रिट पिटीशन। तो अगर इस पर्टिकुलर भर्ती का या तो रिजल्ट आ गया है या इसमें ज्वाइनिंग हो गई है, तो उनकी ज्वाइनिंग या वो रिजल्ट मैटर करेगा इस रिट के फाइनल डिसीजन पर। तो इस वजह से दोस्तों एचएसएससी जानबूझकर डिले कर रहा है कि कल को इस रिट का फैसला अगर हमारे विपक्ष में आ गया तो एलडीसी की तरह कहीं हमें रिजल्ट को रिवाइज ना करना पड़े। तो इस वजह से एचएसएससी थोड़ा सा आपका रिजल्ट डिले कर रहा है, और अदरवाइज इसके पीछे कोई कारण कोई रीजन नहीं। मैं बार बार आपको बोल रहा था कोर्ट केस है, मेरे को नहीं मिल रहा है, जैसे ही मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों और दो केसेज थे जो मैंने आपको बताया था, 34589, ये रहीम खान वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा है, इसमें एसएस साहू एडवोकेट हैं, और दोस्तों नोटिस ऑफ मोशन 5/12/2019 को, और मेन केस 34061 के साथ इसको अटैच कर दिया गया है। एक और तीसरा केस था आपका जो मैंने आपको बताया था 35447/2019, 6 दिसंबर को इसमें हियरिंग हुई थी, मेनका वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा अदर, सुनील कुमार नेहरा इसमें एडवोकेट, और इसको भी मेन केस के साथ अटैच कर दिया 34061, और इसमें भी वही लाइन लिखी गई है सर, इफ़ डिक्लेयर अपॉइंटमेंट इफ एनी मेड वुड बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द रिट पिटीशन। तो दोस्तों नोटिस ऑफ मोशन फॉर 28/5/2020 इसमें आपकी डेट मिल गई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही आपको अपडेट दे रहा था जे रिजल्ट को लेकर, जे कोर्ट केस को लेकर, हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी हुई लेकिन स्टीक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना जरूरी था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।